हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिल्ली फैम। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं भाई अथिरापल्ली वाटरफॉल से। बॉय बहुत ज्यादा एकदम मस्त एक्सपीरियंस हो गया, एकदम एडवेंचरस राइड हो गई हमारी। तो अभी हम जा रहे हैं भाई नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो पड़ता है भाई अथिरापल्ली वाटरफॉल से मुन्नार के रास्ते में, जहाँ पे भाई बहुत ज्यादा रबड़ की प्लांटेशन होती है। तो फटाफट चलते हैं और आपको दिखाते हैं रबड़ कैसे प्रोड्यूस की जाती है। लेट्स गो। ये जो सारे पेड़ है भाई रास्ते में, ये जो दिख रहा है आपको कोकोनट ट्री की तरह, ये है पाम ऑयल ट्री। गाइज मुन्नार जाने के दो रास्ते हैं, वो सीधा जो जा रहा है वो अच्छा रास्ता है, थोड़ा लंबा है, लेकिन हमने लेफ्ट ले लिया। ये एडवेंचरस रोड, ये सामने दिख रहा है पहाड़, ये सारा जंगल है। अब हम जंगल से जाएंगे मुन्नार की तरफ। ये आ गए भाई रिवर। खाना तो नहीं मिलेगा? तो गाइज यहाँ पे थे हम भाई, यहाँ पे थे अथिरापल्ली वाटरफॉल्स। तो यहाँ से जा रहे हैं दो रास्ते, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता। ये जो रास्ता था ये था रिंग रोड वाला, जो कि था 150 किलोमीटर्स, और ये वाला रास्ता हमने प्रेफर किया विच वॉज द जंगल रूट, और ये था भाई 135 किलोमीटर्स एंड इट वॉज द ब्यूटिफुल वे। सो गाइज ये है ऑफ रोड रास्ता, जंगल का लेते हुए यहाँ पे चेक पोस्ट, यहाँ पे फीस लगेगी 25 रुपीज। है भाई रबड़ फैक्ट्री, जो यहाँ पे सारे रबड़ ट्रीज हैं वहाँ पे, यहाँ पे इनका प्रोसेस होता है, रबड़ में कन्वर्ट होता है। ये हमने करी वाटर क्रॉसिंग। अबे वाटर क्रॉसिंग तो हम कर कर आए हैं। वाटर क्रॉसिंग नहीं कर के आए, वाटर हमको क्रॉस कर रहा था। ये है रबड़ के पेड़, ये सामने नीचे देखो सब में कैरी बैग लगा, उसमें रबड़ इकट्ठा हो रहे हैं। वाह क्या नेचर है, नेचर का भी अलग ही कमाल। तो कितना सुंदर रास्ता है, ओ माय गॉड, वाओ क्या खतरनाक लग रहा है भाई। ऊपर देखो फॉग भी है, ओ वाओ। क्या बोल रहे हैं कि भाई एलिफेंट दिख सकते हैं, तो ध्यान से देखे चलो, क्योंकि अभी हमें ताजा ताजा हाथी की पोटी दिखी है। कितना भी आगे भाई, ऐसी ब्यूटी आपको कहीं नहीं दिख सकती। यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या पता हमें कोई हाथी स्पॉट हो जाए, क्योंकि ये जो छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं ना, इनमें हाथी लोग पानी पीने आते हैं, या कोई भी जानवर जो होता है। हाँ, और ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये वायर, ये इलेक्ट्रिक वायर है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैसे एलिफेंट प्रोन एरिया है ये, तो 6 बजे के बाद चालू करते हैं। ये एक सेकंड, ये देखो ये नीचे सारा रबड़ इकट्ठा हो रहा है पॉलीबैग से। कीड़ा है ना, कीड़ा नीचे चले ना। वो देखो भाई, हमें पीकॉक स्पॉट हो गया। क्या बात है, अथिरापल्ली फॉरेस्ट एरिया में पीकॉक। वाओ ये पेड़ कितना सुंदर है। व्हाट इज दिस यार, गायों को हाथी समझिए, इतना एक्साइटेड कर दिया हमें। अबे मेरे को लगा दूर है, छोटा लग रहा है इसलिए। बेबी एलिफेंट गाइस, ये जो पेड़ हैं अभी ये अपना काम करके थक चुके हैं और इनका ये रेस्ट टाइम चल रहा है। अभी जो दूसरा एरिया है वहाँ पे रबड़ की प्लांटेशन चल रही है, ये लोग रेस्ट पे, इन पर दवाई डली हुई है। भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, जो जो इस गाड़ी के साथ चलेगा वो सब्सक्राइब करते रहेगा। भाई साहब हम लोग रुक गए हैं भाई एक जगह, आपको पास से दिखाने के लिए कि भाई रबर की प्लांटेशन केरला में होती कैसी है। तो आपको दिखाने के लिए बहुत डेंजरस जगह आ गए हैं हम, जंगल के एकदम बीच में। यहाँ पे कोई भी एनिमल आ सकता है, यहाँ पे देखो उसके लिए ट्रैप भी लगे हुए हैं, इसमें तुम ही मत फंस जाना। आ जाओ, जैसे आ जाओ। ये रहा भाई वो रबर प्लांट, वर्ल्ड फेमस केरला की रबर प्लांटेशन। भाई यहाँ पे कम से कम करोड़ों में पेड़ है, ये मतलब 20 किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया और यहाँ पे सिर्फ रबड़ के ही पेड़ हैं। और हम आपको पास से दिखाते हैं कि इसका प्रोसेस, कि रबड़ कैसे बनती है।
ये डाल के दिखाऊं क्या आपका? गाइस ये देखो ऐसे इन्होंने ना zigzag लगा रखे हैं। मैं इसका प्रोसेस बताता हूं, देखो ये ऊपर से स्टार्ट करता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड होता है वैसे इनमें रबड़ है। इसमें ऐसे कट लगा था, चीरा लगाया काफी डीप सा, और यहाँ पे इसको केमिकल से जोड़ दिया, और यहाँ पे पन्नी को ऐसे डिजाइन करा कि वो सारा पूरे कट में से फेविकॉल निकल के इसमें इकट्ठा हो जाता है। तो भाई और हमें पता चला है 7 साल में ये पेड़ बड़ा होता है और रबड़ देने लग जाता है, और 20 ईयर्स तक इसकी लाइफ होती है। टेस्ट में लावा मतलब इसने अपना काम कर दिया। एक राउंड जब इसकी फेविकॉल निकल गया, अब इसमें केमिकल या दवाई कुछ भी कह लो वो डाल देते हैं इसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, 1 महीने का रेस्ट। इसके बाद इसमें एक और कट लगेगा, फिर अलग जगह से कट लगेगा ना। ये देखो इसलिए इतने सारे कट हैं। ये देखो भाई दूर दूर तक, वाओ। चलो अब वहाँ देखते हैं भाई, अंकल शायद कुछ बता रहे हैं किस तरीके से ये अभी इतना इसमें ये आ गया है रबड़ का पीस। हाँ ये जो है ना यहाँ से कटिंग करके ये यहाँ क्लिप लगाया है इनका, ये सारा छोटा कटिंग करके यहाँ क्लिप बनाया है, और यहाँ इस पर ये रखा रहता है। रखने के बाद यहाँ ये बिल्कुल यहाँ इकट्ठा होता रहता है सारा रबड़, और इसको भैया ने बताया 7 साल इसको बढ़ने में लगता है। 7 साल के बाद इसमें ना ये रबड़ प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, और इस तरीके से इसका रबड़ प्रोडक्शन होता है। ये 20 ईयर्स तक इसमें रबड़ प्रोडक्शन चलता है। 20 ईयर्स के बाद क्या करते हैं इसमें? फुल कटिंग। हाँ 20 ईयर्स के बाद इसको पूरा काट देते हैं, और फिर उसके बाद इसका एज ए अपना लकड़ी के काम में का यूज होता है। फर्नीचर वगैरह बनता है, क्या बनता है? फूड बनाता है, घर का फूड बनाता है। हाँ घर का फूड बनाता है। अच्छा ओके ओके अच्छा ओके अच्छा अच्छा मतलब फर्नीचर के काम नहीं आता ये सिर्फ उसको आप एज ए जलाने के काम कर सकते हो। है? जलाने के बाद खाना बना लो, किचन में काम आ जाता है। तुम्हारा इधर मिलके टाइट है। ओके अब इस हार्ड हो जाएगा। हाँ हार्ड हो जाए, टाइट है। हाँ हार्ड प्लास्टिक और डाल। ओके ओके सेपरेट, ये हार्ड हो जाएगा तो निकलता जाएगा। हाँ, निकलने के बाद इसको हटाएंगे और उसको सेपरेट सेपरेट उसमें कर देंगे, और इस तरीके से ये इकट्ठा हो रहा है। फर्स्ट क्वालिटी मिल्क यस। फिर ये हार्ड हो जाएगा, इसको इस तरीके से आप उतार कर बास्केट में डाल लेंगे। ये क्या हो गया, निकल गया इसमें से ये है। खत्म नीचे गया। हाँ सारा इसमें से रबड़ प्रोडक्शन पूरा हो गया। क्यों संगीता जी कुछ बोलोगे इसके लिए? रबड़ का प्लांटेशन, मैंने एक कोई और पेड़ देखा था, वो पता नहीं कौन से रबड़ का पेड़ था। ये सिर्फ केरला में ही मिलता है। एक और भी होता है जो बरगद के पेड़ की तरह होता है, वो भी उसको भी कहते हैं रबड़ प्लांट, पर उसमें पता नहीं जिसमें पत्तों में निकलता रबड़ दूध नहीं जैसा। होता तो वैसे ही है, पर वो दूसरा होता है। पर यहाँ पे आके मेरे को ये पता चला कि ये वाला असली रबड़ प्लांट है। ये सनी कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख रहा है रबड़। ये तो बहुत सॉलिड रबड़ है, अच्छी क्वालिटी है। ये टायर बनते होंगे ना? हाँ ये देखो अबे इसको फिर ये कंटेनर में कैसे डाल रहे थे उसमें? ऐसे निकाल निकाल, उनका कुछ होगा मेथड कंटेनर में डालने का भी। फिर टच में नॉट प्लांट मिला है। कहाँ है कहाँ? अच्छा ये रहा वो, इसमें बहुत सारे बच्चे। देख देख देख, ओ ये देख ये देख, ये तो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है। ये बहुत यूजफुल होता है टच में नॉट, दिस इज फॉर फाइल्स। स्पीड दिया मेरा टच दिस डे देंगे दिस मॉडल। हां हुआ हुआ ओके। ओ स्पीड अप क्या मेरे पे शायद रबड़ गई है। स्मेल रबड़ की स्मेल आ रही है अपने में से। हां वैसे छिड़का ना सिर्फ गाड़ी से उतरने के बाद हम जो इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं ना फॉरेस्ट एरिया को, उत्तरापल्ली फॉरेस्ट एरिया, वहाँ तो हम घूम आए वाटरफॉल, लेकिन यहाँ तो भाई गजब है। भाई देखो यहाँ का प्रोडक्शन हाउस है, फैक्ट्री है, स्टोरेज, आप कुछ भी कह सकते हो। ये सारे जो कंटेनर्स हैं इसमें पूरे जंगल से रबड़ भर कर आती है, और यहाँ पे फैक्ट्री में प्रोड्यूस होते हैं।
ये देखो काफी बड़ी फैक्ट्री है यार। ये और फैक्ट्री है कलाला फैक्ट्री। ये देखो ये रबर ट्री की कटिंग। रबर ट्री वुड। अच्छा वुड नॉर्मल। देख देख टेक 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 क्या बोलते हैं इसको। देखो यार मुन्नार की खूबसूरती यहाँ की टी गार्डन के साथ हम देख रहे हैं, आप भी देखो। अभी जंगल से निकल चुके हैं और अभी हम रुके हैं देखने के लिए कुछ खाने के लिए, बिकॉज हम लोगों ने लंच नहीं किया तो फटाफट लंच करने के लिए उतरते हैं। और जिस स्पॉट पर हम लोग रुके हैं वो मैं आपको स्पॉट दिखाती हूँ, इतनी सुंदर। मतलब हम लोग जैसे डल लेक, नैनीताल लेक, भीमताल लेक, इतनी सारी लेक्स पर जाते हैं, बट ये एक लेक है जिसका कोई नाम भी नहीं है और वो इतनी ज़्यादा सुंदर है वहाँ पर। तो यार ये सारे लंबे लंबे सुपारी के पेड़ है, ये देखो सब में सुपारी लगे हुए। पेपर बैग के ऊपर पेपर। ये काजू ट्री, काजू ट्री ये काजू का आ गया भाई। ये प्राइवेट ही होंगे ना। हां प्राइवेट हो, वो हां और का घर है, घर का। हां क्रिश्चियन पीपल का घर का। ये स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो का पेड़। ये देखो केले कैसे लगे हुए हैं। ये है भाई कोको का पेड़। कोको चॉकलेट या कॉफी कुछ भी कह लो, पीछे लगी हुई थी एक। ये देखो ये पीछे गाइस हम जा रहे थे मुन्नार की तरफ और रास्ते में काफी फेमस केरला का एक चर्च मिला है जिसको हमारे भैया ने बताया कि ये इतना फेमस है, ऐसे सबरीमाला वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल है केरला में, इंडिया में भी। तो वह वहाँ पे लोग तीर्थ पे ऐसे पैदल जाते हैं और कई महीनों की उनका एक प्रोसीजर होता है उस पूजा के लिए, वैसे ही क्रिश्चियंस के लिए काफ़ी फेमस है। इसके भी पेरियार होली रिवर भी है, जैसे हमारी गंगा है वैसे इनके लिए ये है। अब ये देखो अंदर से भी काफ़ी बड़ा है यार, मैंने नॉर्मल इतना बड़ा चर्च देखा। अंदर कुछ अरे पूजा उधर चल रही है। केले का पत्ता है और भी है। किस चीज का है?
वाइट बछड़ी। मम्मी का पायसम, दही, मच्छी करी, पटमिलन, रसम, पुरीशेरी, सांबार। खाओ सारा। Thank you.